नमस्कार। क्या ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर ही ऊपर वाला फरियाद सुनता है? यह सवाल आज इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि गायक सोनू निगम के ट्वीट के बाद से इसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सोनू निगम ने अपने घर के पास की मस्जिद से होने वाली अजान को लेकर आज सुबह कई ट्वीट्स किए। उन्होंने लिखा कि मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन अजान की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, नींद में खलल पड़ता है। इसके बाद सोनू निगम ने यह भी कहा कि जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी उस वक्त तो लाउड स्पीकर नहीं थे, तो फिर अब ये शोर शराबा क्यों? सोनू निगम ने सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि मंदिरों और गुरुद्वारों से होने वाले शोर शराबे पर भी सवाल खड़े किए और इसे एक तरह की गुंडागर्दी बता दिया। सोनू निगम के ट्वीट पर कई तरह की बातें हो रही हैं, कोई पक्ष में है, कोई खिलाफ है। अभिनेता रजा मुराद के मुताबिक सोनू के शब्द ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री और सिंगर बाबुल सुप्रियो का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश मानने चाहिए। कांग्रेस के टॉम बड़क्कन ने सोनू निगम को जल्दी सो जाने की सलाह दी और कई लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्हें उस जगह से घर बदल लेना चाहिए। समय समय पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस दिए। नियम के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाना कानून का उल्लंघन करना है। मंदिरों, मस्जिदों, शादियों में लाउड स्पीकर बजाना ठीक उसी तरह है जैसे सिगरेट कोई और पिए और धुएं की वजह से नुकसान किसी और को उठाना पड़े। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे क्योंकि सवाल यह है कि क्या धर्म के लिए लाउड स्पीकर बजाना जरूरी है? क्या ऊंची आवाज में ऊपर वाला जल्दी सुन लेता है? और सवाल यह भी है कि धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण से आजादी कब मिलेगी? ईश्वर सभी पर कृपा करे। मैं मुस्लिम नहीं हूँ और मैं आज अजान से जागा। भारत में कब तक धार्मिक रीतियों को जबरदस्ती ढोना पड़ेगा? जिस समय मोहम्मद साहब ने इस्लाम बनाया तब बिजली नहीं थी, फिर एडिसन के आविष्कार के बाद हमें इस शोरगुल की क्या जरूरत है? मुझे ऐसे मंदिर या गुरुद्वारा पर भी विश्वास नहीं जो उनका धर्म नहीं मानने वालों को तेज आवाज से उठाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? गुंडागर्दी है बस। एक दो बार न्यायालयों ने भी कहा है कि 10:30 रात से लेकर के 6 बजे सुबह ये क्या कहते हैं लाउड स्पीकर्स का प्रयोग बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। तो उसको लागू करें सरकारें, क्यों नहीं लागू करती? लेकिन जिस किस्म के उसने अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, गुंडागिरी, चोंचले, ये अल्फाज जो हैं ये किसी नमाज के लिए बोलना या अजान के लिए बोलना जो है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय भी आप अपनी बात कह सकते थे। इज अ वेरी क्लियर डायरेक्टिव बाय द सुप्रीम कोर्ट इन टर्म्स ऑफ साउंड पोल्यूशन एंड आई थिंक एवरी रिलीजन वेदर इट इज क्रिश्चियनिटी मंदिर प्लेइंग भजन्स वेदर इट इज मस्जिद अ सिनागॉग व्हाटएवर इट इज इट एग्जिस्ट फॉर इवन कॉमन पीपल इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग लाउड स्पीकर्स। टू द क्वेश्चन ऑफ The mosque, the temple, the church, these are traditions that have been coming through. If he comes late into the night and sleeps late and is woken up by the mosque or by the church or by the temple, so it's a point of view you have. Whether you like it or not. तो मुझे लगता नहीं उनकी इस बात को गलत समझा जाए। वो सब धर्मों को लेकर चल रहे हैं, किसी एक धर्म की बेअदबी नहीं कर रहे हैं। और हमें भी सोचना चाहिए कि हम लोग किसी को बिला वजह, चाहे हमारी अपनी जो है पूजा पाठ है, हमारी अपनी सलात है, नमाज है, उसकी वजह से किसी को दुश्वारी ना हो। तालठोक के आज का पहला सवाल, क्या ऊंची आवाज से ऊपर वाला जल्दी सुनता है? दूसरा सवाल, क्या धर्म के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है? तीसरा सवाल, धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण से आजादी का? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या इबादत के लिए शोर शराबा जरूरी है? तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ महमूद प्राचा हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको आप पहले भी 3 तलाक के केस में चर्चा के दौरान जी न्यूज़ पर देख चुके हैं। डॉक्टर जीनत चौकत अली हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर, विजडम फाउंडेशन की डायरेक्टर जनरल, इस्लामिक स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं।
हमारे साथ स्वामी दीपांकर हैं, जो कि धर्मगुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ध्यान लगाने के लिए दीपांकर ध्यान सूत्र नाम की तकनीक उन्होंने विकसित की है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र में एसोसिएट प्रोफेसर और इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के फाउंडर और ऑनररी डायरेक्टर भी हैं। और हमारे साथ मुफ्ती नसीरुल इस्लाम हैं, जो कि डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती हैं जम्मू कश्मीर रहमान अब्बास, और लेखक रहमान अब्बास उर्दू और इंग्लिश में लिखते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और मिलिंदु झा हमारे साथ होंगे, वो पर्यावरणविद हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे बात शुरू करता हूँ, क्योंकि सोनू निगम ने जो पहला ट्वीट किया, जो पहली शिकायत की, वो ये कहते हुए की कि मेरे घर के बगल में मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, मुझे नींद टूट जाती है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मैं नहीं हूँ मुस्लिम तो मेरे साथ ये ज़बरदस्ती क्यों है। हमारा सवाल केवल सोनू निगम नहीं है, हमारा सवाल उससे थोड़ा सा बढ़ के है। हमारा सवाल ये है कि धर्म के लिए लाउडस्पीकर ज़रूरी है क्या? ४९४७ से लेकर आज तक हिंदुस्तान के मुसलमानों में अदम तहफ़ का एहसास है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हिंदुओं पे जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं मज़हबी जुनून सवार है, मुख्तलिफ़ आराएँ देते हैं, और मुसलमानों को हिरासान करने की कोशिशें की जा रही है, कभी गाय के नाम पे, कभी घर वापसी के नाम पे, कभी तीन तलाकों के नाम पे, बहुत सारे ऐसे मसले हैं। मैं समझता हूं कि अब वक्त आया है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये तासुर मिल चुका है कि हम हिंदुस्तान में महफूज नहीं है, लिहाजा हमें एक अलग मुल्क होना चाहिए जिसमें हम आज़ादी से रह सकें और हिंदू हिंदुस्तान में आज़ादी से रह सकें। मुफ्ती साहब, मैं थोड़ा सा आपको काट रहा हूं, मैं समझता हूं आमतौर पर डेढ़ मिनट का समय होता, हम काटते नहीं हैं, लेकिन आप शायद भूल गए कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने आए हैं, आप यहाँ कश्मीर का राग बजाने लगे। मैं हिंदुस्तान के लाउडस्पीकर पूछ रहा हूँ आपसे, आप अलग मुल्क मांगने लगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए, लाउडस्पीकर बजाने के लिए आपको अलग मुल्क चाहिए क्या? लाउडस्पीकर, अगर किसी को तकलीफ होती है, लाउडस्पीकर बजाने के लिए अलग मुल्क चाहिए क्या? नहीं, मैं लाउड से, ये हमारा रिलीजियस राइट है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, और मजहबी मामलात में किसी भी सूरत में हम आपकी राय के साथ हम आंग नहीं हो सकते हैं। मजहब अपनी जगह है, रिलीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू डिबेट। मजहब में लिखा है कि लाउडस्पीकर पे होगी अजान, हमने कहा है, हम मुसलमान जानते हैं ये जायज है। मजहब में लिखा है क्या कि लाउडस्पीकर पे होगी अजान? बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, मजहब प्रैक्टिस का नाम है, हम जानते हैं ये जायज है। तो आप घर में प्रैक्टिस करते हैं कि चौराहे पे? हम घर में भी करते हैं और बाहर भी करते हैं। अच्छा, महमूद पराते वैसे आपको डिबेट कश्मीर पे करना चाहिए था सर, डिबेट तकरीबन पिछले 15 दिनों से तकरीबन 1500 लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, बीमार हैं, उनको जख्मी कर दिया गया है। मुफ्ती साहब, डिबेट ऑन दैट इशू। मुफ्ती साहब, जब आपको ये न्योता दिया गया था कि इस विषय पर डिबेट हो रही है, तब आपको नहीं पता था कि लाउडस्पीकर पे सवाल होगा। मैं ये सोच के आया था कि लाउडस्पीकर मिल रहा है तो मैं कश्मीर की आजादी का बिल्कुल फूंकने लगूंगा वहां से बैठ के। ये सोच के आए थे क्या कि लाउडस्पीकर मुझे मिल रहा है तो मैं वहां से कश्मीर की आजादी का बिल्कुल फूंकने लगूंगा? नहीं नहीं, इज दिस अ पब्लिक न्यूसेंस? मैं कह रहा हूँ बीजेपी एंटी मुस्लिम है, वो मुसलमानों के खिलाफ है ना, कोई आपको कौन रोक रहा है ये कहने से? लेकिन आप ये बताइए, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, ये गलतफहमी आपको कब से हो गई? जब आप शुरुआत ही इस बात से कर रहे हैं कि हमें अलग मुल्क चाहिए, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं कहता कि उसे अलग मुल्क चाहिए, आप इस बात को मान लीजिए आज। अरे घाटी का मस्जिद तो आतंकवादियों का शरणस्थल ही बना हुआ है, पत्थर फेंकने वाले वहीं से आते हैं, वहीं जाते हैं, हिंदुस्तान उन्हें पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग देते हैं और धर्म की बात करते हैं। आप तो आप इस्लाम को बदनाम मत कीजिए, आप जैसे लोग ही इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, भारत का मुसलमान नहीं कर रहा है। आप अकेले, पहली बात तो ये, और आजादी चाहिए तो जाइए पाकिस्तान में जाकर आजादी मांगिए, भारत में आजादी की कोई जगह नहीं है सर। एक है, एक रहेगा, किसी ने माँ का दूध नहीं पिया कि भारत का एक इंच जमीन लेकर दिखा दे, ये 47 को भूल जाओ। माँ का दूध नहीं पिया, दूध हमने आपको दे दिया है। मुफ्ती साहब प्लीज पी लीजिए। मुफ्ती साहब, अगर आपको ये इल्म है कि आप इस देश के मुसलमानों की आवाज बनना चाहते हैं, आपको लगता है बन सकते हैं,
तो बैठिए, वरना मेरी तरफ से धन्यवाद है आपको। अगर आपको लगता है कि आप यहीं से कश्मीर को अलग मुल्क बनवा लेंगे तो आपकी गलतफहमी है। योगी को आप बैठे शांति से प्लीज, आपकी आवाज बंद है। हमें इस तरीके के अलगाववादी विचार नहीं चाहिए। महमूद प्राचा आप भी मुसलमान है, जीनत चौकत अली आप भी मुसलमान है, आपको अलग मुल्क चाहिए क्या जीनत चौकत अली? इसलिए कि लाउड स्पीकर पे सवाल उठाया सोनू निगम ने, जो कि एक सिंगर है। बिल्कुल, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में ही रहेंगे, और ये भी हमारा मुल्क है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, इंडियन से इंडियन में रहेंगे। ये क्या बात हुई, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं थोड़ी सी ये जो बात कहते हैं मैं आपसे बताऊं, जब अजान का मतलब ये है कॉल टू प्रेयर, इट मींस कॉल टू प्रेयर। जब ये मदीना में ये ऐलान हुआ कि मुसलमान कैसे आएंगे दूर दूर से, तो कहने लगे कि ह्यूमन वॉइस लो। वो जमाने में जूस जो थे वो कौन यूज करते थे लोगों को बुलाने, और क्रिश्चियन जो थे वो बेल्स यूज करते थे, चर्च बेल्स। तो उनसे अलग जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस ने कहा कि हम लोग ह्यूमन वॉइस यूज करेंगे कि उसमें मिठास है और उसमें किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ह्यूमन वॉइस में हजरत बिलाल जो स्लेव थे वो पहला अजान दिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जब अगर तुम नमाज मस्जिद में भी पढ़ते हो तो इतनी जोर से मत पढ़ो कि बाजू वाले को डिस्टर्ब हो, दूसरे को तकलीफ देने के लिए इस्लाम नहीं बताता है। इस्लाम कहता है कि सबका ख्याल रखो, सबका ख्याल रख के फिर करो। और जहां तक सोनू निगम साहब की बात है, तो जो सोनू निगम कहने जा रहे हैं वो उससे मुझको कोई ना इत्तेफाकी नहीं है, लेकिन ये बात है कि वो जो लफ्ज इस्तेमाल करे हैं, इट डज नॉट बिफिट अ मैन इन हिज पोजीशन टू यूज सच लैंग्वेज जो उन्होंने यूज किया है। उनकी लैंग्वेज मुझको अच्छी नहीं लगी। ठीक है, और लास्ट बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ इस्लाम मजहब नहीं, हर मजहब जो है वो दूसरों को तकलीफ नहीं देना, आवाज जोर से नहीं करना, किसी को यू नो नोबडी, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी डिस्टर्ब्ड। मेरा कहना है हर मजहब और हर कल्चर में ये बात है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन नॉर्म्स रखे हैं। ठीक बात है, नॉर्म्स को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और दूसरों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। महमूद प्राचा आप तो कानून जानते हैं, इस बात से इतर के जो मुफ्ती साहब कह रहे थे हमको लाउड स्पीकर नहीं बजाने देते इसलिए हमको अलग मुल्क मिल जाना चाहिए, इस बात से अलग मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई क्या हमारे धार्मिक स्थल, वो चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो चाहे कोई भी और धार्मिक स्थल हो, वो जब लाउड स्पीकर बजाते हैं तो उन कानूनों का पालन करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बहुत ही होशियार रहना चाहिए, क्योंकि आपका इतना बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग सुनते हैं आपकी बात। ऐसी वाहियात बातें करने का मौका आपके चैनल से मिलता है, मुझे बहुत ही दुख होता है हर बार। और जो भारत के मुसलमान हैं और भारत में कश्मीर भी शामिल है तो इसको कृपया करके अलग अलग मत बताया कीजिए। जो भारत के मुसलमान हैं जिसमें कश्मीर भी शामिल है, वो आज़ादी बाकी सब लोगों के साथ 1947 में उनको मिल चुकी है, और वो अलग मुल्क ले चुके हैं, अंग्रेज़ों से अलग मुल्क ले चुके हैं हम लोग। तो अब इस बात में दोबारा कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ये अभी प्रेजेंट इशू का बात है, दो तरह के राइट्स हैं कानूनी। एक तो मजहबी राइट्स हैं, जो कि उनके पास भी राइट्स हैं लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के लिए। दूसरे राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल के हैं, जो कि सोनू निगम साहब के पास भी हैं और उनको तकलीफ हुई उस बात से। लेकिन सोनू निगम साहब ने जो जिस तरीके से बात की है, ये इस बात की बिल्कुल भी शिकायत नहीं है कि उनको सुबह सुबह नींद से जागना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि मैं एक मुसलमान नहीं हूँ फिर भी मुझे जगाया, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही शरारती उनकी बयान था, शरारत पैदा करने के लिए था और उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए था। क्योंकि मैं बहुत से मुसलमानों को भी जानता हूं जो कि कश्मीर में भी हैं, जो कि सुबह सुबह की जो लाउड स्पीकर पे अजान होती है उससे परेशान होते हैं। ये बात सिर्फ सोनू निगम साहब ही परेशान नहीं होते, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो कि उससे नमाज के लिए जागते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं। तो बुनियादी बात यह है कि सोनू निगम साहब को एक इस बात से जो नाजायज फायदा उठाना था वो उठा चुके हैं, आज वो चर्चा का विषय बन चुके हैं। चाहे उनको
अभी उनका करियर थोड़ा नीचे जा रहा होगा, तो एक बार फिर वो अब करियर में शायद ऊपर जा सके इससे। लेकिन महमूद साहब, इस नजरिए से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। महमूद प्राचा जी, और जहां तक महमूद प्राचा जी, इसीलिए जब मैंने चर्चा की शुरुआत की, मैंने ये कहते हुए की कि हमारा विषय सोनू निगम नहीं है, हमारा विषय उससे बड़ा है। हमारा विषय दीपांकर जी ये है, धर्म के लिए नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण जरूरी है क्या? भगवान, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, वो सामान्य आवाज में नहीं सुनते क्या? देखिए, सबका अपना वक्तव्य और व्यू हो सकता है, मगर मैं इस बात की शुरुआत वहां से करूंगा जिस बात को लेकर के ये चर्चा आज प्रारंभ हुई। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में ये पढ़ा है हमने कि जहां वो बैठे थे उनके कुर्ते पर एक बिल्ली का बच्चा आकर सो गया। आप यकीन मानिएगा कि उस बच्चे को उन्होंने उठाया नहीं, उस कुर्ते को वहां से काटा जितने पर वो सोया था, उठे और चले गए। चाहते तो जगा सकते थे। ये तो रही पैगंबर साहब के बारे में जो जितना हमको नॉलेज है। और जहां तक सोनू निगम के बारे में है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मात्र किसी मस्जिद के बारे में या अजान के बारे में कहा। ध्वनि प्रदूषण या कोई भी पूजा, प्रार्थना, इबादत, साधना सबको मन तक ले जाने के लिए होती है। जैसे कि एक मैडम ने भी कहा कि ये किसी को डिस्टर्बेंस का विषय नहीं है, ये तो मन तक ले जाने का विषय है, स्वयं तक ले जाने का विषय है, शांत करने का विषय है। अगर जो किसी को अशांति हो रही है तो विषय चिंतन का है, अचिंतन का विषय नहीं है। और इससे कोई, हमें नहीं लगता कि अगर जो सोनू निगम ने कहा, जैसे कि प्राचा जी ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे भी कहते हैं और वो दुखी होते हैं, मगर मैं फिर एक शब्द और एक शब्द आगे बढ़कर एक कदम कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी स्थिति है, आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े चीफ जस्टिस ने कहा कि समन्वय अगर जो हो जाए अयोध्या मामले में तो कर लीजिए, अगर जो इसमें भी समन्वय हो करके कुछ चीजें आगे बढ़ जाएं और किसी को भी दिक्कत ना हो तो इसमें कोई किसी को अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राकेश सिन्हा जी, दिल्ली में कितनी ऐसी जगह है जहां शुक्रवार के दिन आप सड़क से जा नहीं सकते क्योंकि वहां नमाज सड़क पर पढ़ी जा रही होती है। दिल्ली, नोएडा, NCR छोड़िए, हर देश के हर शहर में ऐसी कितनी जगह है जहां जब आपका मन करे आप विशाल भगवती जागरण का बैनर लगाइए और पूरी सड़क को अपनी सड़क मान के पूरा रोक लीजिए, पूरा ट्रैफिक वहां पर रुक जाएगा। एक तरफ आप रोकेंगे तो आपके खिलाफ फतवा जाएगा, दूसरी तरफ आप रोकेंगे तो आपके खिलाफ हिंदू सेना आके खड़ी हो जाएगी, आपके घर के शीशे तोड़ देगी कि तुमने आवाज कैसे उठाई। ये धर्म के नाम पे गुंडागर्दी का सवाल ही तो उठाया उन्होंने। देखिए, एक वो चाहे आवाज के स्तर पे हो, वो चाहे सड़क का अतिक्रमण करने के स्तर पे हो या फिर और किसी दिशा में। इसका दो पहलू है। पहले जो आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया है कि जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये लोग करते हैं, वे भूल जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के नीचे एक पब्लिक मॉरालिटी, हेल्थ लिखा रहता है। क्या जिससे पब्लिक मॉरालिटी डिस्टर्ब होती है, जिससे पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो फंडामेंटल राइट का आप यूज़ नहीं कर सकते। रोहित जी, हाँ, एक बड़ा सवाल है। आज पूरी दुनिया में नॉइज पॉल्यूशन को लेकर डिबेट चल रहा है और नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस ये बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया में बनी हुई है। और 85 डेसिबल जो डेसिबल एक उनका यूनिट माना जाता है नॉइज को मापने का, साउंड को मापने का, दुनिया के जितने देश हैं जिसे मुस्लिम कंट्री आते हैं, टर्की आता है, उसमें 55 डेसिबल फिक्स कर दिया गया है। कुछ देशों ने 45, 55, 60, 60 से ऊपर किसी भी कंट्री में डेसिबल फिक्स नहीं किया गया है, 60 से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। भारत में स्थिति इसकी उल्टी है। 85 तो आप एक स्टैंडर्ड लास्ट वो एक लाइन मान रहे हैं जिसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। 85 यहाँ तो 120, 130 डेसिबल पर लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है। देखिए, बाकी जगहों में और मॉर्निंग के अजान में एक अंतर है। बहुत से लोगों के आज के समय में कार्य पद्धति बदली है, रूटीन बदल गया है। जो बहुत से लोग रात को देर से काम पर लौटते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, ऐसे लोगों को एक समस्या होने लगी कि रेगुलर फीचर बन गया है जब उनको इस नॉइज से कैसे मुक्ति मिले। तो मुझे लगता है कि मुंबई हाईकोर्ट में 2014 में एक RTI के आधार पर जो एक एप्लीकेशन डाला गया था, तो मुंबई हाईकोर्ट ने जांच के बाद पाया 49 में से 45 ऐसे मॉस्क हैं जिसमें इलीगल तरह से लाउडस्पीकर लगाया गया, जिसकी अनुमति नहीं ली गई, उसको हटाया गया। तब कई मुस्लिम नेताओं ने इसका स्वागत किया। तो मेरा मानना यह है कि ये वैज्ञानिकता का जो पक्ष है उससे आपको क्षति नहीं होती है, आप पूजा पद्धति पर कोई अनुशासन बरतनी चाहिए। जहाँ तक सोनू निगम का सवाल है, जो उठा रहे सवाल, अगर कबीर आज होते तो कबीर को तो इतना सहिष्णु बताया जाता, धर्मनिरपेक्ष विरोधी बताया जाता। कबीर ने तो कहा था कि क्या अल्लाह बहरा हो गया कि तुम इतनी आवाज़ कर रहे हो, कंकर पाथर जोड़ के मंदिर बनाने की बात कही और अल्लाह के बहरा होने की बात कही। तो मेरा मानना है कि उनके शब्दों पे मत जाइए।
जो भाव व्यक्त किया गया है उस पर एक सहमति बननी चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ। चाहे शादी विवाह हो या कोई और प्रयोजन हो, जब आप साउंड का उपयोग करते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई पास में कोई बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा हो, कोई बीमार व्यक्ति किसी के घर में हो, तो यह एक संवेदनशीलता और वैज्ञानिकता और आधुनिकता का पक्ष है जिससे धर्म को क्षति नहीं होती है। आध्यात्मिकता में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। हमारे धार्मिक संस्थान, हमारे धार्मिक संगठन, हमारे धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करने वाले वो जो ग्रुप समूह गुट बनते हैं वो इन चीज़ों का लिहाज करते हैं क्या? आपके मोहल्ले में, आपके घर में कितने लोग बीमार हैं या किसी को कोई परेशानी है? यहाँ तो सोनू निगम जिस जमात से आते हैं, फिल्म स्टार्स के घर पे आए दिन पुलिस आती है क्योंकि पड़ोसी कंप्लेंट कर देते हैं, सुबह तक पार्टी चलती है, शोर शराबा होता है। हमारा सवाल ये है कि जब इस देश में कानून है ध्वनि प्रदूषण को लेकर, विमलेंदु झा आप बेहतर बता पाएंगे कि ध्वनि प्रदूषण इस देश में समस्या है भी या नहीं है, और अगर है तो फिर वो टीवी डिबेट वाले के लिए तो लागू हो जाती है कि देखो कितना शोर शराबा कर रहे हैं 5 बजे हमारे, लेकिन उनके लिए लागू नहीं होती जो अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या अपने किसी धार्मिक स्थल के ऊपर बिना किसी इजाजत के लाउड स्पीकर लगाते हैं, चारों दिशा में लगाते हैं और अपनी मर्जी से जितनी देर तक मर्जी बजाते हैं उसे। विमलेंदु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद विमलेंदु तक हमारी आवाज नहीं जा रही है अभी तक। एक चीज मैं मुफ्ती साहब से वापस पूछना चाहता हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि वो जो अब लाउड स्पीकर उनको मिला उसका इस्तेमाल आजादी का राग अलापने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि इस वक्त जो स्थिति एक खड़ी हुई है जिसको लेके एक चर्चा शुरू हुई है उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब, कबीर जी ने लिखा, जिसका अभी इन्होंने हवाला भी दिया राकेश सिन्हा जी ने, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कबीर साहब बीजेपी के थे क्या? देखिए, जहाँ तक सवाल लाउड स्पीकर का है, सवाल कबीर की कविता का नहीं है। अगर कबीर की कविता होती तो ठीक है, हिंदुस्तान के कानून को भी आप किसी कविता में ही तब्दील कर लीजिए। मसला ये है हमारे लिए कि क्या ये जो लाउड स्पीकर है इसका इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं। मैं इस सवाल के जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि 75 साल के बाद सिर्फ मुसलमानों का ही लाउड स्पीकर क्यों याद आया? हिंदू भी तो करते थे, मंदिरों में तो पूरी पूरी रात ये बजाया जाता है, और नमाज अजान के लिए सिर्फ 3 मिनट की ज़रूरत होते हैं और 3 मिनटों में हम ये ख़त्म करते हैं, और ये सिलसिला सिर्फ 3 मिनटों तक जारी रहता है। और 3 मिनट से अगर आपको तकलीफ़ होती है, फिर मैं यही बात कहूँगा कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को अलग छोड़ दीजिए, मेहरबानी करके। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, आपको वैज्ञानिकता का कुछ पता है क्या? जो हेरिंग लॉस होता है 3 मिनट का नहीं है, अस्पताल के बाहर लिखा रहता है कि हॉर्न नहीं बजाए, स्कूल के बाहर लिखा रहता है हॉर्न नहीं बजाए। आप जब इतनी सावधानियां बरती जा रही हैं, पूरी दुनिया में साउंड पॉल्यूशन एक समस्या बन गई है, आप धर्म को साउंड के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? सोनू निगम कहते हैं कि जी मैं, मुझे नींद में खलल होती है, मैं जम्मू में था, मैं पूरी रात नहीं सोता था, मैंने तो ऐसी कंप्लेंट कभी नहीं की। मंदिरों में भजन बजाया जाता था और पुजारी गायब होता था। करते ना सर, आप क्यों नहीं किया? आपने कर देते आप भी, क्या दिक्कत है इसमें? भाई हमें इतनी फुर्सत नहीं है, ये सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट है और बीजेपी का मंसूबा है मुसलमानों को हिरासान करने का। मैंने पूछा कबीर साहब बीजेपी के थे, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। एक आदमी विजिलेंटी जो है, मलेशिया में बीजेपी की सरकार है क्या जहाँ पर बैन लगा हुआ है लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे? सर, कत्ल कर दिया गया, बताइए ना सर। जलीकट्टू का मसला आ गया और पूरा सरकार हिल गया। मैं आपको दो कुछ पहलू बता देता हूँ, आप कश्मीर से बाहर देखते नहीं है शायद। बोलिए, मलेशिया में बीजेपी की सरकार है क्या जहां लाउड स्पीकर पे बैन लगा है? पहली चीज। दूसरा, मक्का में अरब न्यूज खुद बता रहा है सर, मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने ये ऑर्डर किया कि मक्का में भी आप जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल करेंगे वो अंदर की तरफ आवाज आनी चाहिए, बाहर की तरफ शहर के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। वहां बीजेपी की सरकार है क्या? इस्लामाबाद में 2014 में यह ऑर्डर पास किया गया, 73 पूजा स्थलों को बैन किया गया कि वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके हिसाब से वहां बीजेपी की सरकार है क्या? इसराइल में 2016 मार्च में बिल लाया गया बाकायदे इस बात को लेकर कि धर्म स्थलों पे लाउड स्पीकर बैन कर दिए जाए। वहां बीजेपी की सरकार है क्या सर? आप गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। एक चीज समझ में नहीं आती सर, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती,
मैं इससे पहले विमलेंदु झा से सवाल पूछूं, महमूद प्राचा मैं आप ही से पूछ लेता हूं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से मुझे लगता है उस पक्ष को रख पाएंगे जिसको मुफ्ती साहब शायद नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि आपने शिकायत की कि आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम हर तबके के लोगों की आवाज़ को जगह दें, इसलिए हम महमूद प्राचा को भी बुलाते हैं, जीनत शौकत साहिबा को भी बुलाते हैं और मुफ्ती साहब को भी बुलाते हैं। तो मेरा सवाल सर ये है कि इन देशों में बीजेपी की सरकार नहीं है ना, जहां ये फैसले लिए गए हैं कि लाउडस्पीकर को बैन किया जाए, टर्की में लिया गया, फ्रांस में लिया गया, स्विट्जरलैंड में लिया गया, पेनांग मलेशिया में लिया गया, इस्लामाबाद तक में ले लिया गया, हमें हर चीज़ के लिए एक नया वो मिल गया क्या कि कुछ भी होगा तो हम कह देंगे तो बीजेपी है इसलिए ऐसा हो रहा, कोई चीज़ हमारी बेहतरी के लिए भी होगी तो हम मना कर देंगे क्योंकि बीजेपी ने कहा या मोदी ने कहा तो नहीं करेंगे। आपका सवाल ही आपका जवाब है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले कबीर साहब का एग्जाम्पल दिया कि कबीर क्या बीजेपी के थे। देखिए यही बुनियादी बात है कि क्योंकि अगर आदमी की नीयत पे और सरकार की नीयत पे शक नहीं होगा तब कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी ऑर्डर अगर पास किया जाता है वो जनता की भलाई के लिए किया जाता है। यहाँ जो बुनियादी बात है कि ये शरारत की वजह से अगर सिन्हा साहब मुसलमानों को बोलते हैं उससे समस्या होती है, अगर यही सिन्हा साहब हिंदुओं को बोल रहे होते तो कोई समस्या नहीं होती, और मैं अगर मुसलमानों को बोलूँगा या मुफ्ती साहब मुसलमानों को बोलेंगे कि आप ये लाउडस्पीकर ना बजाइए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये शरारत करने के लिए इशू बनाए जाते हैं जैसे सोनू निगम साहब ने अभी इसे बनाया, तो उसके लिए तो ये शरारत तो किसी भी तरीके से की जा सकती है और उन शरारती तत्वों को मौका मिलता है। मगर ये बात मैं आपसे मानूंगा कि बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जो कि सुबह सुबह अजान से जो लाउडस्पीकर पे होती है परेशान होते हैं, और बहुत सारे हिंदू भी ऐसे हैं जो कि मंदिरों में घंटियों से और जो सड़कों पे ये जो नवरात्रे होते हैं रात को परेशान होते हैं। तो इसमें बात नियत की है, सबसे बड़ी बात नियत की है। सिन्हा साहब शरारत की वजह से, सिन्हा साहब सिर्फ शरारत की वजह से जो पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन है और बाकी चीजों की बात करते हैं तब शरारत होती है, तब उसका उसका उसकी परेशानी होती है। आपने मेरी आपने पूरी बात नहीं सुनी, अगर आप सुनते शायद मेरी बात, तो मैंने कहा कि इसका वैज्ञानिक पक्ष है और वैज्ञानिक पक्ष सिर्फ मुसलमानों पर लागू नहीं होता है, सभी पर लागू होता है। मैंने क्या कहा, फंडामेंटल राइट्स का जो को भी यूज़ करते हैं, मैंने यह भी कहा विवाह शादी किसी धार्मिक त्यौहार में ऊँची आवाज़ का उपयोग करते हैं पब्लिक मॉरलिटी से जुड़ा हुआ पक्ष है और पब्लिक मॉरलिटी को ध्यान रख, मैंने यह कहा किसके घर में कौन बीमार है, कौन एग्जाम दे रहा है, कौन बच्चा परीक्षार्थी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और देखिए इस पर साफ बात है, ये अभी किसी ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में ये फिक्स है 75 होना चाहिए दिन में, रात को 65 होना चाहिए, कमर्शियल एरिया में फिक्स है 60-65 और जो रेसिडेंशियल एरिया में उस पर फिक्स्ड है 45 और एक ऐसा समय आता है जिसमें कम्प्लीटली नॉइज फ्री जोन रहता है। तो आप एक बात बता दीजिए, चूँकि मस्जिदों में एक रेगुलर फीचर होता है मॉर्निंग में, इसलिए यह सवाल उठता है, जहाँ पर ये रेगुलर फीचर है, जहाँ ऊंची आवाज़ में अजान देकर पूरे मॉर्निंग का एक समय होता है जो रेगुलर फीचर होता है, मैं कहता हूँ इस पर सब पर लागू किया जाना चाहिए। लेकिन जो रेगुलर फीचर है उस रेगुलर फीचर पर सवाल सिर्फ भारत में नहीं उठा है, अभी रोहित जी ने कई देशों का उदाहरण दिया, टर्की में इस पर डिबेट चला था और टर्की ने सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर वहाँ 45 से 55 के बीच में फिक्स किया, धीरे धीरे कम करता गया। आप मलेशिया की बात की, आप इंडोनेशिया की बात कीजिए, आप जितना वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है ठीक है वहां सबकी बात कीजिए, इसलिए आप स्वयं एक बाइनरी क्रिएट कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। मैं बोल रहा हूं कि मस्जिदों में नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं बस हो गया, होने बात आप इसमें बीजेपी आगे से कहां लाते हैं, अब रुकिए ना, ठीक है सर, ठीक है क्योंकि आप उसको कह रहे हैं मैं मस्जिदों में मना कर रहा हूं, आप बोलिए मंदिर में मना करते हैं कि नहीं करते। दीपांकर जी आप दीजिए जवाब, आप मना कीजिए मंदिर में, मना कीजिए ना, आप नहीं करेंगे, बोलिए दीपांकर जी जवाब दीजिए, फिर विमलेंदु और हमारे साथ रहमान अब्बास है उनके पास भी एक कमेंट। ये प्राचा जी जो भी आपने कहा कि आप मना करते हैं, मैं भी इस बात को बड़ी ही मजबूती के साथ कहता हूं कि अगर जो टाइमिंग कोर्ट ने दिए हैं उसके अनुसार ही चलना चाहिए, और मैं ये भी बात रोहित जी आपको बता दूं कि कहीं भी कोर्ट की दी हुई टाइमिंग फॉलो नहीं होती, 90% फॉलो नहीं होती, हाँ मगर फॉलो होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का एग्जाम है, किसी के पेपर है, किसी की बीमारी है, जैसे कि राकेश भाई ने कहा, तो मुझे लगता है कि धर्म वो नहीं है कि वो मात्र अपने पर अड़िग रहे या वो अड़ा रहे किसी चीज को लेकर, धर्म तो वो शांति सुकून या ये कहूं कि वो आत्मीयता या मरना और मिटना होता है किसी के लिए, किसी को मारना और मिटाना नहीं होता। फिल्मी गानों पर डीजे बजाते हुए कांवड़ियों के जब ग्रुप निकलते हैं आप अप्रूव करते हैं उसको? बिल्कुल नहीं, मगर देखिए अगर जो कुछ लोग उद्वेलित कर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि वो सही कर रहे हैं, अगर जो वो भी इस तरीके की परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं या इस तरीके का ऑरा क्रिएट कर रहे हैं वो भी उतना ही अनुचित है जितना के
सोनू निगम को लगना और प्राचा जी को उनको गलत लगना, ठीक है रहमान अब्बास, शरारत लगना, ठीक है रहमान अब्बास, बहुत देर से आप सुन रहे हैं सबको, जल्दी से एक कमेंट आपसे चाह रहा हूँ। लाउड स्पीकर का धर्म होता है क्या? नहीं, मुझे मुझे बेसिक जो उनका ट्वीट है उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ट्वीट अधूरा है। पहली बात तो ये कि जितने धर्म हमारे देश में हैं उनकी जो भी परंपरा है या जो भी उनके रिचुअल्स है उसके बारे में हर आदमी को उस पर क्रिटिसिज्म करने का हक है, ठीक है, इंसल्ट करने का हक नहीं है, वो एक डिस्प्यूटेड चीज है, लेकिन हम क्रिटिसाइज हर चीज को कर सकते हैं। ये बहुत सही बात है कि बाद जगहों पर अजानों की आवाज इतनी ऊंची होती है कि बस्ती में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम होता है। वहां पर मुझे लगता है कि जो कानून, जो पुलिस के रोल है, जिनको पता है कि कहां पर कितनी आवाज होनी चाहिए, ये उनका भी फेलियर है। चाहे वो मंदिर हो या जो पूजा पाठ होते हैं तब जितनी आवाज और शोरगुल होता है और जिस तरह से म्यूजिक बनाया जाता है वो सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेरे बच्चे भी डर कर उठते थे, और बाजों पर एक अजान नहीं होती, दस दस जगह दस दस अजाने एक साथ होती हैं, वो एक प्रॉब्लम है, उसको किसी ना किसी तरह से हल करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सोनू निगम ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ये फोर्सफुली रिलीजियस को थोपा जा रहा है, ये ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि ये फोर्सफुली थोपा नहीं जा रहा है। अगर ऐसा ही है तो तिलक साहब ने जो पूजा शुरू की थी अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए और लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, अब उस पूजा की उस स्तर पर और फिल्मी गानों के साथ हमको मनाने की क्या जरूरत है? तो इस तरह से हमको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। आप गणपति पूजन की बात कर रहे हैं, उस पर जो है ऑब्जेक्शन वो हमको रेस करके उसको हल करने की कोशिश करना चाहिए। आप गणपति पूजन की बात कर रहे हैं, गणपति पूजन की स्थिति रोहित भाई ये होती है कि वो आया और चला गया, वो निरंतर नहीं है, प्रतिदिन नहीं टकराता, मगर समझ में ये नहीं आता वो एक दिन की बात हो, दस दिन की बात हो, पचास दिन की बात हो, मसला नहीं है, मसला कानून को मानने का है। अगर कानून एक पर है तो वो सब पर है, सब को मानना पड़ेगा। गणपति पंडाल क्या कानून की परमिशन से नहीं लगते हैं? आपको लगता है लोग अपने से लगा के बैठ जाते हैं सड़क किनारे? परमिशन से लगते हैं, तो मुंबई में रहते हैं, वहां सबसे ज्यादा लगते होंगे। आवाज है साउंड की, उस साउंड को तो फॉलो सबको करना है। बस मैं वही कह रहा हूँ, बस ठीक है, मैं वही चीज कह रहा हूँ। देखिए आपने गणपति की बात, मैं आपको बता दूं, आपको बता दूं, गणपति के बारे में न्यायालय के जो है इस्लामी है, आप सुनिए, अलग टॉपिक है, सुनिए ना, ये आपकी तुलना ही गलत है। रहमान सुन लीजिए, ये तुलना, ये तुलना, ये तुलना, रहमान काउंटर सुन लीजिए अपनी बात। आप उदार उदार बनते बनते अंत में सांप्रदायिक चश्मे से चीजों को देखने लगे। देखिए गणपति सांप्रदायिक कौन है, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप तो सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्यों क्यों एक-एक करके बोलिए, सुनाई तो देगा सबको। जात होती है, रहमान आपकी बात उन्होंने सुन लिया, उनकी सुन लिया। फेस्टिवल होता है उसके लिए प्रायर परमिशन लेते हैं, परमिशन के साथ उन आदेशों का पालन किया। देखिए एक परंपरा है, एक एक जो रेगुलर फीचर है, आपने स्वयं कहा कि एक एक जगह चार चार अजान होती है। मुंबई का मैंने उदाहरण दिया, 2014 में 45 मौत से लगता है, तो सुन तो लीजिए आप, अब सुन लीजिए, एक ही जगह छह मॉस्क हैं और उन और मौलवियों में एक कंपटीशन होता है किसका अजान ज्यादा होगा। इस तरह का जो रेगुलर फीचर है, यदि उस पर प्रतिबंध लगता है, ये सब पर लागू होगा। कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा कि प्रदूषण का सांप्रदायिकरण कीजिए, प्रदूषण का कोई धर्म नहीं होता है, वो भी एक नॉइस पॉल्यूशन। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? मैं एक चीज पूछ रहा हूँ ना, अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आप सब लोगों की जानकारी बढ़ेगी उससे, सब लोग थोड़ा फायदा भी लेके जाइए घर जब जाएंगे यहाँ से। विमलेंदु झा, आप तो पर्यावरणविद हैं, उम्मीद करता हूं अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। आपको लगता है कि शोर हमारे देश में एक ऐसी समस्या है जो बीमारी की शक्ल ले चुकी है और हम उसको मानने को तैयार हैं नहीं, चाहे उसकी धार्मिक वजह हो, चाहे उसकी हमारी अज्ञानता की वजह से हो, हम उसको नकारते जा रहे हैं और वो नुकसान पहुंचाता जा रहा है। सही बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा इश्यू है वो संवैधानिक डिस्कशन है, ये वैज्ञानिक और वैधानिक डिस्कशन है, लेकिन अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा एक सांप्रदायिक और सांस्कृतिक डिस्कशन बन के रह गया। क्योंकि हम ये जो बात कर रहे हैं कि नॉइज पोल्यूशन के जो लॉज हैं हमारे देश के अंदर, उसके तहत हमें एक एक समय के बाद एक तरह का लाउड स्पीकर नहीं, एक तरह के क्या नॉइज पोल्यूशन करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, हमें एक लेवल के ऊपर का नॉइज पोल्यूशन करने का अधिकार नहीं है। और इन सबों का जो लिंक है वो आर्टिकल 21 के साथ जुड़ा हुआ है, और एक कानून व्यवस्था के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नियमें बनाई है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी जो हमारी चर्चा है, जो हमारे देश की जो नॉइज पोल्यूशन लैंडस्केप है, तो उसमें आज अगर हम एक एक मस्जिद से निकलती हुई आवाज के ऊपर हम नॉइज
पोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन हम बाकी जो नॉइज पोल्यूशन है उसके ऊपर पूरा का पूरा जो देश है वो चुप है। तो कहीं ना कहीं उस सेंसिटिविटी से भी इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देश में जो आज जो माहौल है, जो राजनीतिक माहौल है, उसमें जैसे कि आप देखिए जल्लीकट्टू भी तो कोर्ट के अगेंस्ट था, फिर आपने सबों ने सब आपके चैनल्स ने बहुत सारे चैनल्स ने क्यों उसको सपोर्ट किया, क्यों उसको दिखाया कि संस्कृति के नाम पे लॉ की अवमानना ठीक है। तो अगर जल्लीकट्टू ठीक है तो उसी तरह नमाज भी ठीक है और उसी तरह तो सुबह का जगराता भी ठीक है, क्योंकि लेकिन वहां हमें लाइन खींचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो मानवाधिकारों से जुड़ी हुई है, राजनीति को आर्टिकल 21 के साथ से अलग करके नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, विमलेंदु की बात से जो मैं समझ पा रहा हूँ, जीनत चौकत अली आपके पास आ रहा हूँ वो लेके, मुझे लगता है उनकी बात से कि समस्या आज की लाउड स्पीकर है, समस्या नॉइस है, और हम यहाँ पर उसे अजान भजन कीर्तन बता के और अपने अपने हिसाब से सूटेबिलिटी के हिसाब से अपने पॉइंट रख रहे हैं और लड़ ले रहे हैं। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? जी, आपकी पूरी बात मैंने नहीं सुनी, क्योंकि आवाज कट गया था। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी, सब सुन रहे हैं आपको, अब बोल सकते हैं आप। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पूरे कंट्री में नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। जो अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्म्स दिए है वो नॉर्म से चलना चाहिए, और कोई भी रिलीजन हो, यू नो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म, कोई भी, कटिंग अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, क्योंकि रिलीजन जो है वो जैसा पंडित जी ने बहुत सही कहा, दिल की बात है और श्रद्धा की बात है और इबादत की बात है, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करने की बात नहीं है, तो वो लाइन है हमको फॉलो करना है, और हम सबको ये कहना है कि वी आर ऑल इंडियंस एंड वी केयर फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे की समस्या समझना चाहते, एक दूसरे को नीचा या ऊंचा दिखाना नहीं चाहते हैं, और यही प्रॉब्लम हो रहा है कि सबके दिमाग में ये बात बसी है कि किसको ऊंचा दिखाइए, किसको नीचा दिखाइए, ये इंडियन ट्रेडिशन नहीं है, इंडियन सेक्युलर डेमोक्रेसी ये नहीं सिखाता, वो सिखाता है कि ऑल ऑफ अस आर इंडियंस, ऑल ऑफ अस आर वन, और हम सबको एक रूल बनाना है, कटिंग अक्रॉस रिलीजन सोसाइटी। अभी सोनू निगम साहब के गाने भी जोर जोर से रात को 12 बजे के बाद बजते, वो भी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक बात, मतलब कि ऑल ऑफ अस शुड कंसीडर ईच अदर। जी, हमारी एजेंसीज इक्विप्ड तक नहीं होती कि वो ये जांच सकें कि वाकई अगर अजान से परेशानी है तो उसकी जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी है वो कितने डेसिबल की है, मंदिर से अगर आवाज आ रही है भजन कीर्तन की या कहीं जगराता चल रहा है उसकी जो आवाज की ऊंचाई है वो कितने डेसिबल की है, जब वो ये जांच ही नहीं सकते हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कैसे करवाएंगे। और बड़ी बात ये है, शाजिया इल्मी हमारे साथ आ गई है, बीजेपी की नेता। हम तो ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों ने कन्नी काट ली कि अपना वोट बैंक डिस्टर्ब होता है, इसलिए ऐसे मामले से दूर ही रह जाए तो अच्छा है, पर अच्छी बात है कि आप आई हैं कम से कम बात रखने के लिए। शाजिया, मैं स्वागत करता हूं इस बात का। नेत्रहीन थे सूरदास, उनको भगवान दिख गया, कितने ऐसे गूंगे होते हैं जिनकी अल्लाह सुन लेता है, भगवान सुन लेता है। हम यहाँ इसी बात पे लड़े जा रहे हैं कि लाउड स्पीकर कितना ऊंचा बजेगा और कैसे नहीं बजेगा। लाउड स्पीकर अगर नहीं बजेगा तो फिर हमें अलग देश चाहिए, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे। नहीं, मुझे लगता है कि हर चीज़ को इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हर चीज़, हर सोनू निगम ने किसी एक समुदाय के खिलाफ ये बात नहीं कही है, और मुझे लगता है एक निजी, एक इंसान जो नागरिक है उसकी सिविक प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए, साथ में जो समुदाय है उसकी भी फीलिंग्स का आप ठेस नहीं पहुँचा सकते। तो मुझे लगता नहीं है कि इसको सांप्रदायिक बनाने की ज़रूरत है। तो मैं वो मौलवी साहब से भी कहूँगी कि वो कोई अटैक इस तरह से नहीं किया जा रहा है, अगर उनको आज़ाँ हो या गुरबानी हो या जागरण हो जिसकी वजह से दिक्कत हो किसी कम्युनिटी को, तो दोनों तरफ से बात माननी चाहिए। और सच तो सच है, जब शुरुआत हुई थी मजहब की या धर्म की, जब हम, तो आप देखिए। जी, आप बोलती रहे अपनी बात, आप पूरी करें। कोई बोल रहा है इसमें बीच बीच में, आप पूरी करें अपनी बात। हाँ, तो अगर, तो देखिए, इसमें हर चीज़ को एक सियासी रंग देने की ज़रूरत नहीं है। आम नागरिक को भी अपना हक है अपनी बात कहने का। सब लोगों की धार्मिक सोच एक जैसी नहीं होती है, और हम सबको मिलकर रहना है यहाँ पे। इसीलिए आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वॉइस लेवल पर भी, कंट्रोल लेवल पर भी था,
दिवाली पे पटाखे कम करने का भी फैसला आया क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा था। तो इसको उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि किसी धर्म के खिलाफ ये बात की जा रही है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जो सिटीजन है उसकी भी प्राइवेसी का ख्याल हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे प्राइवेसी का हक देता है और थोड़ी बेहतर तरीके से रहने का हक देता है तो उसको भी पालन करना चाहिए। तो मैं सोनू निगम से मेरी बस ये अपील होगी कि किसी धर्म को आप खास तौर से ना कहें, और क्योंकि सब धर्म करते हैं, ये सारे इसमें मज़हब इन्वॉल्व हैं, चाहे वो जो सिख धर्म हो, चाहे हमारे हिंदू भाई बहन हो या हमारे मुसलमान भाई बहन हो, तो उनको भी ख्याल रखें। दोनों तरफ की बात है, ये बैलेंस लेके चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। यहाँ पे कितने मंदिर और मस्जिद हैं, आप देखिए मस्जिद नमाजें पढ़ी जाती हैं सड़कों पर, लोग एहतराम करते हैं, जुमे के दिन हट जाते हैं। आप नवरात्रों में देखिए, दिवाली में देखिए, तो ये हमारा कल्चर है। हम टॉलरेट करते हैं एक दूसरे को, ये हमें और टॉलरेट से ज्यादा हम सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे को, तो ये तो हमारी तहजीब है ना। लेकिन सेलिब्रेट करें शाजिया, सेलिब्रेट करने से कोई एतराज नहीं करता है, सेलिब्रेशन में सब पार्टिसिपेंट होते हैं, सब धर्मों के लोग वो सारी धर्मों की दीवारें तोड़ के एक दूसरे के साथ हिस्सेदार होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस पार्टिसिपेशन में भी अगर कोई गाइडलाइन है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा रात 10 से सुबह 6 तक आप ना बजाएं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेजिडेंशियल इलाके में 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियल में 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल हम अग्री जी, नहीं बिल्कुल, ये तो देखिए संवैधानिक ये जो सोच है और इसकी जो मान्यता है, इससे कोई भाग नहीं सकता। हम सब नागरिक हैं, हर चीज़ हम पर्सनली अपने ऊपर नहीं ले सकते। हम इतने ज़्यादा, हमारे कुछ मुसलमान भाई हैं जो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, हर चीज़ अपने ऊपर लेते हैं। ये सब पर लागू होता है, जो रूल जो कायम होगा, जो रूल जो मस्जिदों के लिए होगा या अजां के लिए, वो गुरबानी के लिए भी लागू होगा, वो जागरण और भजन के लिए और कीर्तन के लिए भी होगा। तो इंडस्ट्रियल टाउन्स के लिए अलग रूल्स होंगे जाहिर से, और रिहायशी इलाकों के लिए अलग होंगे। ये तो सोचने वाली बात है कि हमारी आइडेंटिटी सिर्फ रिलीजियस है, कि हमसे मुसलमान है, हिंदू है, कि हम देशवासी भी है। भाई राकेश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए राकेश जी। सबसे बड़ी किताब तो संविधान है। कहीं पर भी गुरुवाणी को एक नॉइज पॉल्यूशन करते हुए नहीं देखा। मैं इतने गुरुद्वारों को देखा हूँ, बहुत रेयरली जब उनका कोई फेस्टिवल आता है किसी गुरु की, गुरु नहीं, देखिए सुन लीजिए, हम देखिए जब हम बहस करते हैं, हम किसी बात पर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इसको घालमिल करके जब हम बात करते हैं तो कोई कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देशन दिया है, उस निर्देशन को बड़े पैमाने पर अजान की प्रक्रिया होती है, उसका एक समय निश्चित है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस मस्जिदों के बारे में भी आया है, कई बार सर्वोच्च न्यायालय में लोग गए और उसका फैसला आया है। सरकार को इंडस्ट्रियल एरिया हो, कमर्शियल एरिया हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई सामाजिक त्यौहार हो, जो सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित किया है, सरकार ने 2010 में अमेंडमेंट किया है नॉइज के ऊपर, उसको सुनिश्चित करना चाहिए। और इसे सभी धार्मिक नेताओं को स्वयं निर्देशित करना चाहिए, एक सिविल सोसाइटी में जो स्वयं आवाज आती है उससे महत्वपूर्ण आवाज कुछ और नहीं होती है। ठीक है, दीपंकर जी बोलिए, फिर विमलेंद्र आपके पास। एक कदम आगे बढ़कर मैं कहना चाहूंगा कि हर चीज आप सुप्रीम कोर्ट पर डाल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। एक नहीं, मैं सब मजहबों की बात कर रहा हूँ, सब धर्मों की बात कर रहा हूँ, या इस धरा पर जितने हुए हैं अब इस समय तकरीबन 4200 हैं, आप गूगल पर सर्च करिएगा। सभी धर्मों के जितने भी ऋषि महर्षि या जितने भी बड़े मोंक हुए हैं, सभी ने कहा है कि दूसरे के चेहरे पर खुशी लाई कैसे जाए, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान कैसे लाई जाए, और उसको कैसे एकाग्रचित और शांत किया जाए। अगर जो लाउडस्पीकर से, अगर हम ही लोग, हाँ अगर हम ही लोग दूसरे को तबाह करने पर तुले हैं मात्र इसलिए कि ये हमारी फ्रीडम है, तो मुझे लगता है कि सभी धर्मों के लोगों को, जैसे कि राकेश भाई ने कहा, सभी धार्मिक नेताओं को बैठकर ये चिंतन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बात की पहल अगर जो हुई है तो ये मसला बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि उलझ जाए। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इतना बड़ा मसला जो अयोध्या वाला है वो बैठकर सुलझा लीजिए। एक एक बात तो जानिए ना, विमलेंदु आपके पास आता हूं, उसके पहले महमूद प्राचा, जब हमारे यहाँ इस बात पे लड़ाइयां होती हों कि सरकारें पक्ष ले लेती हैं, नवरात्र में मंदिर को कह देती हैं कि आप स्पीकर बंद कर दो, और दूसरे पक्ष की शिकायत जाने पर लाउडस्पीकर उतारने के नाम पर दंगे भड़क जाते हो देश में, वहां आपको लगता है कि बैठ के इस तरह की चीजें सॉल्व हो सकती हैं, या फिर कानून को सीधे सीधे कड़ाई से पालन करवाने के लिए एजेंसीज को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो कि नहीं लेती? मैं आपकी बात से शत फीसद एग्री करता हूं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज का और सरकार का फेलियर है, पहली बात। और इसमें किसी से भी बात करने की आवश्यकता नहीं है पहले, क्योंकि जब भी कोई कोर्ट में केस जाता है उसमें सभी पक्ष देखे जाते हैं, उस पर सब पे विचार किया जाता है और उसके बाद ऑर्डर आता है। यदि
कोई ऑर्डर इस तरह के खिलाफ आ भी जाता है तो उसमें करेक्टिव पिटीशन डाली जा सकती है। जो ये ऑर्डर आए हैं, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन के लिए हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन के लिए हो, वाटर पोल्यूशन के लिए हो, और चाहे वो खाद्य पदार्थों के लिए हो, उनको पालन ना करना ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का फेलियर है, एजेंसीज का फेलियर है। ठीक है, जहां तक के समझाने की बात है वो भी काम मुश्किल नहीं है। ठीक मैं है। एक ही बात और कह के खत्म करना चाहूंगा बात कि अगर सोनू निगम साहब, चाहे उनका करियर ग्राफ कितना भी नीचे आ गया हो, अगर वो चाहते कि इसको इंडिविजुअल समझाना है और जाके मस्जिद में बात करते तो मैं समझता हूँ शायद वो मौलाना भी मान जाते कि आवाज धीरे कर लेते, लेकिन उनका काम शरारत करना था, जाके इस बात को अपनी तकलीफ को दूर करना कभी नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। विमलेंदु झा, हमारे कान ठीक रहे, इसकी जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की है, हमारी नहीं है, है ना? जी 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 जी, बहुत आवश्यक है। और लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज जो हमारे कानून की सुप्रीम कोर्ट की दुहाई आज आपके पैनल पे लोग दे रहे हैं, जब ये जलीकट्टू का चल रहा था वो भी तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना थी, उस समय क्यों ये लोग शांत थे या फिर उसकी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का सपोर्ट कर रहे थे? जब सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के फायर क्रैकर्स पे बैन लगाया था उस समय यही सारे वक्ता थे और यही पार्टी थी जो कह रही थी कि नहीं ये तो हिंदू विरोधी है, हमारे इसमें इससे तो कुछ दीपावली से कोई नुकसान नहीं होता है। जब आर्ट ऑफ लिविंग का पूरा प्रोग्राम हो गया था और जब हम लोगों ने उसका विरोध किया तो फिर हम हिंदू विरोधी हो गए। तो हमें समझना है कि राजनीति तो जरूर हो रही है, क्योंकि एक लेवल पे तो ये कंप्लीटली पोल्यूशन का मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये सबके लिए एक कानून का मामला है। लेकिन जिस तरह से कुछ वक्ता और कुछ पार्टीज अभी एकाएक सोनू निगम के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, अगर यही बात सोनू निगम ने कहा होता कि जगराता बंद हो जाए तो शायद उनके प्रोग्राम्स को उनको सब आज उनको अपने ऐप से डिलीट कर रहे होते। यही सारे वक्ता हैं, यही साजिद अली और राकेश सिन्हा जी हैं जो कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि जब हिंदू विरोधी कॉन्स्पिरेसी। विमलेंदु, आप भले ही शुरुआत इस बात से करें कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं जल्लीकट्टू पर मैं बैन का समर्थन करता हूं तो आप दूसरी पार्टी हो जाते हैं। एक समय हालांकि खत्म हो गया, केवल 30 सेकंड मेरे पास है, शाजी और कमेंट नहीं पाऊंगा। पार्टी में हूं 30 सेकंड, अगर मैं जल्लीकट्टू के बारे में वक्तव्य देता हूं तो मैं कौन सी पार्टी का हूं? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का? सुन लीजिए आप, मैं तो आपको पर्यावरणविद समझा था, मैं सोचा था कि आप वैज्ञानिकता के आधार पर बहस करेंगे, लेकिन आप तो पूरी तरह सांप्रदायिक वायरस से प्रीत हैं। आप जल्लीकट्टू के प्रश्न को आप व्यवहारिक तौर पर देश की कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, हर चीज को देख लीजिए, देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जो दुहाई आप में निर्णय लिया जाता है, कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, वैज्ञानिकता के कॉन्टेक्स्ट देखे जाते हैं। यहाँ नॉइज पॉल्यूशन का सवाल, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, मतलब जल्दी जब फेवरेबल चीज है तो वो कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। उस समय कानून नहीं, नाम की कोई चीज नहीं है मस्जिद में, उस समय कानून नाम की कोई चीज नहीं है, उस समय कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। एक जल्लीकट्टू के नाम पर आप क्या क्या करवाना चाहते हैं? ये मस्जिद की बात क्या कर रहे हैं? हम बैठे थे बहस करने लाउड स्पीकर पे, हम जा रहे हैं जल्लीकट्टू पे, जल्लीकट्टू के मुद्दे से आगे बढ़ गए, समय खत्म हो गया है। विमलेंदु जी, हम समय से पहले ही ओवर थे, बहुत बहुत शुक्रिया शाजी अलमी, रहमान अब्बास, जीनत शौकत अली, महमूद प्राचा, विमलेंदु झा, स्वामी दीपांकर और राकेश सिन्हा जी आपका। हम चाहते हैं ऐसा समय आए जब वाकई इंसान की सेहत से जुड़े मसलों को इंसान की सेहत से जुड़े मसले की तरह ही देखा जाए, उसे धर्म के चश्मे में ना ढाला जाए। और वो सवाल जस का तस रह गया कि जो बात कबीर जी कई सौ साल पहले लिख के चले गए, वो बात अगर आज कोई कह रहा है तो उस पर आप पार्टी होने का आरोप लगा देते हैं, कबीरदास जी पर कैसे लगाएंगे कि वो किसी पार्टी के लिए लिख गए?